नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आरएस प्रॉपर्टीज के एक और प्रॉपर्टी के नए वीडियो में। हमारे पास संपूर्ण भारत की सबसे सस्ती जमीनें हैं, जो कि हमारे पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज में, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मिलने वाली है 1000 से ज्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पर, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए इस वीडियो को। सामने स्क्रीन पर आप एक भूमि देख पा रहे होंगे। आज की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही कम कीमत पर, बात की जाए तो मात्र 3 लाख रुपए प्रति एकड़ इसकी कीमत है। और लोकेशन, कंडीशन से लेकर सारी सुविधाएं आपको बहुत ही बेटर यहां देखने को मिल जाती हैं। आज की जो भूमि है ये उत्तर प्रदेश से अरेंज की गई है, 3 लाख रुपये प्रति एकड़ है। और लगभग भूमि का जो कुल आकार है वो आपको 30 एकड़ के आसपास देखने को मिल जाता है। अगर आप कम भी लेना चाहें तो भी खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी को। 3 लाख रुपए एकड़ में रोड से मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर चक रोड से कनेक्टेड प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बदायूं से अरेंज की गई है। बदायूं से कुल 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है। प्रॉपर्टी की बात की जाए तो दातागंज इसकी तहसील 15 किलोमीटर पर है और भूमि बरेली से मात्र 20 किलोमीटर के कुल डिस्टेंस पर है। प्रॉपर्टी की बात की जाए तो 150 बीघा ज़मीन रहेगी बदायूं तहसील डिस्ट्रिक्ट में, और प्रॉपर्टी की कीमत 60,000 रुपये प्रति बीघे की है। स्टार्टिंग डिमांड जो है वो 1,10,000 रुपये बीघे की थी, जिसे कम कराकर 60,000 रुपये प्रति बीघे तक कर दिया गया है। प्रॉपर्टी की बात करें तो चक रोड से कनेक्टेड प्रॉपर्टी है, जो लगभग 15 से 20 फीट से भी अधिक रहेगा। प्रॉपर्टी प्रधानमंत्री रोड से लगभग 2 किलोमीटर पर है। हाईवे की बात की जाए तो लगभग 5 किलोमीटर पर रहेगा बदायूं दातागंज बरेली मेन हाईवे। 3 व्यक्तियों के नाम पर यह कुल प्रॉपर्टी रहने वाली है, जो कि जर्नल कैटेगरी से हैं। देखा जाए तो 600 फीट का रोड साइड फ्रंट आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी पर सभी प्रकार की फसलें इस भूमि पर ईजिली की जा सकती हैं, जिसमें प्रमुख फसलें धान, गेहूँ, गन्ना, सरसों, चना, मक्का और बाजरा है। फिलहाल जिस ज़मीन पर की हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी पर, परमल की खेती जो है वो हो रखी है। प्रॉपर्टी की बात करें तो नियर बाई आपको कलान 65 किलोमीटर, कादर चौक 50 किलोमीटर पर, बरेली 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर देखने को मिल जाता है। लाइट की सुविधा आपको नियर बाई प्रॉपर्टी पर मिल जाती है। 60 फीट के आसपास का वाटर लेवल आपको मिलता है। प्रॉपर्टी पर आपको 60 फीट के आसपास का वाटर लेवल देखने को मिल जाता है। अगर हम नदियों की बात करें तो बड़ी गंगा ज़मीन से लगभग 50 किलोमीटर और राम गंगा लगभग 20 किलोमीटर पर है, तो इन बड़ी नदियों का डिस्टेंस भी प्रॉपर्टी से काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। प्रॉपर्टी की बात की जाए तो नियर बाई 8 किलोमीटर के कुल डिस्टेंस पर आपको एक मार्केट देखने को मिल जाता है। प्रॉपर्टी की बात की जाए तो 2 किलोमीटर पर आपको गाँव मिल जाएगा, जहाँ पर प्रॉपर हिंदू आबादी आपको देखने को मिल जाती है, जो लगभग 99% के आसपास रहने वाली है। प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ तो लगभग 6 किलोमीटर पर आपको हाईवे पर आने जाने के संपूर्ण साधन जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको नियर बाई ट्रेन की सुविधा अगर हम देखें तो ये बरेली रहेगी। बरेली जो है वो प्रॉपर्टी से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो ट्रेन की सुविधा आपको बरेली में मिलेगी। बाकी अन्य सुविधाएं आपको सेम लोकेशन पर देखने को मिल ही जाती हैं। तो प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी अच्छी लोकेशन वाली ज़मीन है। दातागंज इसकी तहसील है, 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, लोकेशन बहुत बढ़िया है, ज़मीन बहुत अच्छी है और कीमत तो ना के बराबर है। तो इतनी बढ़िया ज़मीन है इतनी कम कीमत पर, वो भी मेन बड़ी बड़ी नदियों से दूर, क्योंकि हमें जो एक्चुअल रेट जो मिलता है प्रॉपर्टी में कम कीमतों में, वो गंगा और रामगंगा नदियों के बिल्कुल नज़दीक 100 मीटर 200 मीटर पर ये रेट हमें मिलता है, 60,000 70,000 90,000 का रेट। लेकिन आज जो प्रॉपर्टी है वो इन नदियों से 20 और 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और कीमत मात्र 60,000 रुपये प्रति बीघा, तो बिल्कुल काफ़ी डिस्टेंस पर है ये प्रॉपर्टी। बिल्कुल नज़दीक वाली ज़मीनें रिवर से नहीं है, खादर की ज़मीन नहीं है, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी है और कंडीशन बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए प्रॉपर्टी जो है कम कीमत पर है, सुविधाएं अच्छी हैं इस पर, कनेक्टिविटी है, लेकिन बस रास्ता जो है वो कच्चा है, ये थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन बड़े व्हीकल भी आप ईज़िली प्रॉपर्टी तक ले जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा की तरह वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा। मुलाकात होगी आपसे एक और नए वीडियो में। जय श्री कृष्णा।